राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में लोग जनरेशन कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, ज्यादातर आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं और सभी की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। वहीं हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर सीएम साय ने प्रदेश वासियों से अपील की कि हर घर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। वहीं कांग्रेस के गौ सत्याग्रह को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 5 सालों तक नरवा घुरवा बारी का परिणाम देख चुकी है, कई जगह पर गायों की मृत्यु हुई है, इन सारी चीजों को जनता देख चुकी है। हाँ, पिछले कुछ गुरुवार जनदर्शन स्थगित था, कुछ कारणों से हम कहीं बाहर थे, तो आज जनदर्शन का आयोजन है, अभी भी चल ही रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पूरे प्रदेश से आ रहे हैं और कई तरह की समस्या आ रही है। विशेषकर तो स्वेच्छानुदान की समस्या ज़्यादा है, आर्थिक सहयोग लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ बीमारी के इलाज के लिए, कुछ दिव्यांग लोग भी भारी संख्या में आए हैं और कुछ लोगों को तत्काल अभी ट्राईसाइकिल भी दिए हैं, करीब 6-7 लोगों को, 2 बच्चे को व्हील चेयर भी अभी दिए हैं। इस तरह से जो हो रहा है, 1 बच्चे को अभी 50,000 का चेक भी देंगे, तो जो तत्काल हो रहा है समाधान वो कर रहे हैं, बाकी सबका समाधान करेंगे। हाँ, तिरंगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और हर घर तिरंगा जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने मनाया, वैसा इस साल भी आह्वान है प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासियों से कि सब अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएं। अब उसकी जानकारी थोड़ी थी, लेकिन अभी क्या हुआ है अभी लेटेस्ट जानकारी हमको नहीं है। 5 साल उनका नरवा गरवा घुरवा बारी का परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है ना, कई जगह गायें मरी हैं, वो सबको देख चुकी है।